हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें मैंने मैक्सी ड्रेस बनाई है समर के लिए। तो हर कोई चाहता है कि वो समर के दिनों में कूल रहे और कंफर्टेबल रहे और उसे काफ़ी अच्छा महसूस हो, तो उसी के लिए मैंने एक बहुत ही कूल एंड कंफर्टेबल ये मैक्सी गाउन बनाया है जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। और इसे बनाना काफ़ी इजी भी है और आप भी देख सकते हैं और आप भी बहुत इजी तरीके से घर में इसे बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 2.5 मीटर कपड़ा है ये, और इसका जो फैब्रिक है वो रेयॉन है। काफ़ी कलर बहुत अच्छा है, कूल है और कंफर्टेबल है। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है सबसे पहले लंबाई में, और उसके बाद मैं यहाँ पे मैंने ये अपनी जो साइज़ है वो ले रही हूँ। तो लंबाई मैंने 15 मेरे को कंप्लीट चाहिए, तो मैंने 16 यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है चोली की जो लंबाई है। उसके बाद जो मैंने चेस्ट का साइज़ लिया है वो लिया है यहाँ पे 22। 19 मेरा कंप्लीट है, तो उसके बाद मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा रखा है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ गले की जो चौड़ाई लेनी है, तो मैंने लिया है यहाँ पे 2.5 इंच। तो जो भी गाउन वगैरह ये फ्रॉक वगैरह होते हैं उसमें 2.5 इंच काफ़ी रहती है। और उसके बाद जो लेंथ ली है मैंने गले की वो ली है 6 इंच। तो 6 इंच मेरे लिए परफेक्ट है, और अगर आप थोड़ा सा डीप पहनना चाहते हैं तो 7 ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 6 इंच पर निशान लगा दिया है। उसके बाद अब जो कंधे होते हैं हमारे, उसके लिए तो मैंने यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाया है। और उसके बाद जो हमें लंबाई लेनी है आर्म होल के लिए, या मतलब मुड्डे की जो लंबाई लेनी है वो लेनी ली है मैंने यहाँ पे 7 इंच। अगर आप थोड़े से मोटे हैं तो आप 7.5 ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने निशान जो लगाए हैं वो डार्क कर दिए हैं, तो ये देख सकते हैं आप। और इसमें मैंने गोलाई मतलब दे दी है ये राउंड शेप, और उसके बाद ये गला है। तो अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ये जो मुड्डे हैं उसकी कटिंग मैंने कर ली है, और उसके बाद अब हमें ये जो हमारा गला है इसको हम कट नहीं करेंगे अभी। सबसे पहले इसमें जो जॉइंट है कपड़े में साइड में, पहले उसे ओपन कर लेते हैं, और उसके बाद हम दोनों पर्दे जो हैं हमारे आगे पीछे के इसको अलग कर लेंगे, क्योंकि हमें दोनों में गला अलग रखना है। इसलिए कभी भी दोनों की सिर्फ आपको मुड्डे कटिंग करनी है, उसके बाद गला बाद में अलग करके ही कट करें। तो यहाँ पर मैंने जो आगे वाला है उसको मैंने चौकोर शेप दी है, जो फ्रंट वाला मैं रखने वाली हूँ। और इसमें हमें हल्का सा जो आर्म होल है ना उसमें हल्का सा हमें कटिंग और देनी है, करीब 1/2 इंच के करीब, जिससे कि जो फिटिंग है वो बहुत अच्छी आती है आगे से, बिल्कुल भी रिंकल्स वगैरह नहीं आते हैं कपड़े में। तो इस तरीके से मैंने बस इतनी सी इसमें कटिंग दी है, और आगे ही देनी है, पीछे नहीं लगानी है कटिंग। और उसके बाद अब हम यहाँ पर ये आगे फ्रंट वाला है, तो यहाँ पे मुझे इसे कट करना है बीच से, क्योंकि मुझे आगे से ओपन मतलब बनाना है, पट्टी लगानी है। और अब यहाँ पे मैंने पीछे वाला लिया है पर्दा, और पीछे वाले में मैं यहाँ पर गले पे निशान लगा रही हूँ। तो चौड़ाई तो वही 2.5 इंच लेनी है, और मैं लंबाई ली है गले की सिर्फ 4 इंच, तो 4 इंच मैं पीछे का रखूँगी। और इसमें भी मैंने राउंड शेप दे दी है गले में, तो पीछे का हम राउंड बनाएंगे, तो इसे मैंने कट कर दिया है। अब इसके बाद हम इसमें इसे अलग कर देते हैं, और जो बचा हुआ हमारा फैब्रिक है उसे हम इस तरीके से फिर से डबल करेंगे, और इसमें से हमें स्लीव्स निकालनी है डबल, और फिर एक बार और इसे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। तो 4 इस लेयर हो गई इसमें। तो हमें इसकी पहले लंबाई लेनी है, जो हमें स्लीव्स जितनी आपको चाहिए उतनी लंबाई लें। तो मैंने यहाँ पे 11 ली है, 11 इंचेस। तो मैंने पूरा पूरा इसे सीधा सीधा कट कर लिया है। और उसके बाद जो चौड़ाई है स्लीव्स की वो सिर्फ हमें 8 इंच चाहिए थी, बट मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है, करीब 10 के करीब है ये।
और मैंने ये देख सकते हैं यहाँ पे 7 इंच मेरा नीचे से था, 6 तो मैंने 7 इंच लिया है, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो मैंने इस तरीके से स्लीव्स को कट कर लिया है और नीचे भी हल्की सी इसमें कटिंग लगा देते हैं जिससे कि सारे जो लेयर हैं वो बराबर हो जाएं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे ये स्लीव्स हैं इनको हमें दोनों को जो सीधा वाला हिस्सा है फैब्रिक का उसे हमें अंदर के साइड रखना है, तो पलट के हम दोनों को इस तरीके से रखेंगे। और उसके बाद फिर से इसे फोल्ड कर दिया है मैंने, और अब हमें ये आगे वाला जो है ना उसमें थोड़ी सी इस तरीके से सिर्फ 2 लेयर में हमें कटिंग करनी है। उसके बाद ये जो बचा हुआ फैब्रिक है उसे हम इस तरीके से डबल कर लेते हैं, और उसे मैं 2 हिस्सों में मैंने कट कर लिया है। सिलाई लगा दी है बीच में एक, और उसके बाद इसकी जो लेंथ है वो कंप्लीट है 35 इंच। तो ये देखिए 35 इंच इसकी लंबाई है, तो हमें पूरा ही ले लेना है अभी। तो अभी मैं पहले गला बना रही हूँ पीछे वाला, तो बैक जो गला है मैंने आप देख सकते हैं फैब्रिक को मैंने सीधा रखा है, और जो मैं पट्टी लगाने वाली हूँ दूसरे कपड़े से तो उसे मैंने इसके ऊपर रख के और इस तरीके से पलट दिया है जिससे कि हम इसमें जो पिन है वो लगा सकें, गला हमारा इधर से इधर मतलब सरके नहीं खिसके नहीं। तो उसकी वजह से मैं यहाँ पर पिन लगा रही हूँ, या कोई आप कच्ची सिलाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिलाई भी लगा दी है और 1-1 इंच छोड़ के मैंने कटिंग की है, तो अंदर की भी हम कटिंग कर देते हैं इस तरीके से, और बाहर के साइड मैंने 1-1 इंच इस तरीके से पट्टी छोड़ दी है। तो इसे इस तरीके से नीचे के साइड करके, और पहले हम इस पे एक सिलाई लगाएंगे, उसके बाद इसे इस तरीके से फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए गला हमारा बन गया है, मैंने इसमें सिलाई लगा दी है, और अब इस पे प्रेस कर देंगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। और उसके बाद मैंने जो आगे वाले दोनों पीसेस हैं कट करके रखे हैं उन पे भी मैंने गला बना दिया है उनका भी, ये देख सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, जो ये आगे वाला हिस्सा हमने ओपन किया है यहाँ हमें पट्टियाँ लगानी हैं, तो जिसमें कि हम कोई टिच बटन या जो भी लगाना चाहें, तो यहाँ पे इस तरीके से हम दोनों में पट्टियाँ लगा देंगे। तो ये भी मैंने सिल दी हैं, ये देख सकते हैं आप पट्टी लगा दी है। तो अब चाहे तो आप इसमें बटन लगा सकते हैं, टिच बटन लगा सकते हैं, चाहे तो आप इसे क्लोज भी कर सकते हैं। तो ऊपर आप बटन लगा दीजिए तो ऐसे लगेगा जैसे ये ओपन है। तो यहाँ पे अब दोनों साइड में प्लेट्स डालूंगी एक एक, तो ऊपर से मैंने 11 इंच पे यहाँ पे मैं प्लेट डाल रही हूँ जिससे कि फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो ये देख सकते हैं आप सिर्फ एक एक प्लेट्स हमने दोनों आगे वाले पोर्शन में डाली है, और पीछे भी डालेंगे, मैं पीछे वाला जो बैक साइड वाला है उसमें भी मैं डालती हूँ, तो इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो ये देख सकते हैं ये पीछे वाला है। तो अब क्या करेंगे कि हम इनके जो शोल्डर हैं इन्हें सिलाई लगा देंगे, और साइडों में भी मैंने अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग सिलाई लगा दी है। तो आप अपनी फिटिंग के हिसाब से सिलाई लगा दें। तो अब क्या करेंगे, इसमें हमें स्लीव्स को जोड़ना है। तो स्लीव्स को पहले मैं, क्योंकि बड़ा है इसका जो साइज़ है स्लीव्स का, तो हम सेंटर से दोनों साइड हम इसमें प्लेट्स डाल लेंगे और नीचे के साइड थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें इस तरीके से छोटी छोटी जो चुन्नटें होती हैं ना वो डाल दी हैं ऊपर के साइड, और नीचे मैंने इसमें एक सिलाई लगा दी है, और अब इसे हम उसके अंदर सिल देते हैं दोनों स्लीव्स को। तो पहले इसे उल्टा करके हम इसमें जो भी हमारा साइज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पहले हमें एक सिलाई लगानी है, उसके बाद स्लीव्स को मैंने इसमें जोड़ दिया है। तो ये देख सकते हैं आप, और स्लीव्स को मैंने काफ़ी लूज़ रखा है अपने मतलब गर्मी के हिसाब से बनाया है, तो लूज़ बनाया है। तो ये देख सकते हैं आप, अब जो बचा हुआ फैब्रिक है उसमें मैंने जैसे ऊपर गले में पट्टी लगाई थी ना वैसे ही सेम मैंने इसमें भी पट्टी लगाई है, और अब ये देख सकते हैं सेंटर में सिलाई लगा दी है। और उसके बाद अब मैं इसे मतलब ऊपर इसमें चोली के साथ अटैच कर दूंगी। इसमें बड़ी बड़ी प्लेट्स डाल सकते हैं या फिर छोटी छोटी चुन्नटें, तो मैं प्लेट्स डालकर इसको बना रही हूँ। तो ये देखिए हम मैंने इसमें इसको अटैच कर दिया है, और काफ़ी चौड़ी चौड़ी मैंने इसमें प्लेट्स डाली हैं। तो अगर आप चाहे
तो इसमें आगे की साइड यानी कि पूरे में नीचे तक आप इसमें बटन्स लगा सकते हैं, बट अभी मेरे पास बटन नहीं थे तो मैंने अभी सिंपल ही बनाया है। और ये देख सकते हैं आप, बीच में एक पट्टी है और दोनों साइड प्लेट्स हैं चौड़ी चौड़ी। पट्टी इसमें आपको नज़र नहीं आ रही होगी, बट ये पूरे में मैंने एक बीच में डिज़ाइन की वजह से पट्टी लगाई है, और नीचे से मैंने स्लिट दिया है 7-8 इंच के करीब। तो नीचे से ये ओपन है जो कि बहुत अच्छा लुक देता है पहनकर। तो इस तरीके से मैंने इसको बनाया है और नीचे फोल्ड कर दिया है बस। तो और पीछे की साइड आप देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने पूरे गाउन में प्लेट्स डाली हैं क्योंकि फैब्रिक हमारा अच्छा खासा था। तो चलिए पहन कर दिखाते हैं इसे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा फाइनली लुक जो मैंने अभी गाउन मैक्सी ड्रेस आपको बना के दिखाई है। तो इसका फिटिंग बहुत अच्छा है, इसका नेक आप देख सकते हैं बहुत अच्छा है, और इसका जो कलर है वो भी समर के हिसाब से है, एकदम कूल है, और पहनकर बहुत अच्छा मतलब कूल लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है। तो ये मैंने बहुत ही इजीली अपने घर पे बना के तैयार किया है। तो इस तरीके से आप भी मैक्सी ड्रेस अपने मतलब रोज़ाना के हिसाब से बना सकते हैं, और वो भी बहुत कम पैसों के साथ। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, इसका फ्लेयर बहुत अच्छा है, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल छोटा सा मतलब फ्लेयर हो, इसका जो ये घेरा है काफ़ी अच्छा है, आगे जो स्लेट है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसे आप बाहर भी पहन के जा सकते हैं, बहुत अच्छा लुक दे रहा है ये। तो फ्रेंड्स, ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये कैसा लगा वीडियो, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको इसमें कुछ पूछना हो तो मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और आप इसका नेक देख सकते हैं, नेक अगर मैं इसमें मैंने 6 इंच रखा था, अगर 7 रखती तो वो काफ़ी डीप हो जाता। तो ये परफेक्ट है, ना छोटा है ना बड़ा है, और शेप भी अच्छी है इसकी, मैंने चौकोर बनाया है। तो यहाँ पे आप बटन लगा सकते हैं, अभी मैंने नहीं लगाए हैं। तो सिंपल सोबर सा ये मेरा लॉन्ग कुर्ती बनके तैयार हुई है। तो प्लीज़ आप भी अगर चाहते हैं तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, और बहुत ही कम पैसों में ये कुर्ती यानी कि मैक्सी गाउन हमारा बनके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।